डाइट प्लान के डे 37 में हमने देखा ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए मसाला उपमा विद पीस बीन्स टमाटो एंड अनियन मॉर्निंग मिड मील में मैंगो विद कर्ड लंच में वेजिटेरियंस के लिए रोटी पालक की सब्जी और तुअर की दाल नॉन वेजिटेरियंस के लिए रोटी पालक की सब्जी और चिकन कलेजी सॉल्टेड विद अनियन एंड ब्लैक पेपर इवनिंग मिड मील में एप्पल डिनर में वेजिटेरियंस के लिए रगड़ा के साथ टमाटो और अनियन सैलेड नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन क्लियर सूप के साथ लेट्यूस क्यूकम्बर एंड रेडिश का सैलेड और गार्लिक ब्रेड कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल और सवाल था आखिर क्या है गेहूं का रास इससे बढ़ता है एनर्जी लेवल या घटती है पाचन शक्ति आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते एंड वेलकम टू योर अपना शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान और आज है हमारा डे 38 डाइट प्लान यानी कि 38 which brings lots of nutritional weight. मैं आप लोगों को आज उस शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ जो कि है clinically dietitian के नाम से मशहूर जो वाकई में अपने सारे health और wellness programs के लिए बहुत ज़्यादा famous है and as I always say, she is a perfect blend of beauty and of course, intellectuality. She is none other than Mikita Gandhi. Hi, how are you? I'm fine. How about I'm also you? fine, but अब हमें जरा हालचाल जानने हमारे व्यूवर्स के सो व्यूवर्स के हालचाल जानने के लिए पहले उन्हें हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी ताकि वो लोग खुश हो सके विद दिस नाउ द टाइम हैज कम फॉर डे 38 का ब्रेकफास्ट टाइम तो आइए चलिए देखते हैं कि डे 38 में ब्रेकफास्ट में आज क्या है जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हम ब्रेकफास्ट के पहले एक ग्लास गुनगुना पानी लेंगे अगर आपने वो टिप नहीं अब तक अपनाई है तो मैं और एक फायदा बताती हूँ लुकवॉर्म वाटर का जैसे कि लुकवॉर्म वाटर मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारे स्टमक को प्रिपेयर करता है ब्रेकफास्ट के लिए उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है अभी इसके बाद हम खाएंगे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में आज है वेजिटेरियंस के लिए मूंग का पराठा और इसके साथ होगा पराठे के लिए जो आटा लगता है उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट है उसे हम हेल्दी बनाना है जैसे कि हम मल्टीग्रेन आटा लेंगे अभी मल्टीग्रेन आटा में क्या होता है मल्टीग्रेन आटा में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्रेन हम मिक्स करते हैं जैसे कि नाचनी फिर बाद में व्हीट फ्लावर राइस फ्लावर भी आप डाल सकते हो और चना दाल भी डाल सकते हो इससे बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन बनता है और इसके साथ अगर आपने मूंग को ऐड कर दिया तो वाह भाई बात ही हो गई ना अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड हाई फाइबर अरे ब्रेकफास्ट हो तो ऐसा नॉन वेजिटेरियंस के लिए है मल्टीग्रेन रोटी विद एग भुर्जी वाओ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग बट जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो लोग ध्यान रखें कि एग वाइट ही खाए एग विद योक ना खाए क्योंकि योक के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है तो जिसे हार्ट प्रॉब्लम है वो कोलेस्ट्रॉल से जरा दूर ही रहिएगा जब इतनी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हो ना सुनने में भी बड़ा मजा आता है और उसे फॉलो करने में भी बहुत मजा आता है तो नाउ द टाइम हैज कम फॉर द मिड मील सो लेट्स आस्क मिकिता कि आज मिड मील में क्या है आज हम मिड मील में खाने वाले हैं कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल आप सबको पता है बहुत फ्लैशी रहता है तो इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी है इसके अंदर मैग्नीशियम है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और उनको रिलैक्स करता है वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है किसी को अगर एसिडिटी या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कस्टर्ड एप्पल इज रियली गुड दैट्स रियली अमेजिंग यू नो हम इंडियंस में जितनी हमारी लेडीज होती है जो घर में काम करती है जो जिसे हम कहते हैं कि वो हाउसवाइफ है हाउसवाइफ वाकई में बहुत काम करती है हम लोगों को लगता है कि वो घर में क्या काम करते हैं वो तो घर में रेस्ट करती है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दे डू इज मैक्सिमम टाइम इज कुकिंग वो आपके लिए खाना बनाती है और उनके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि आप लोगों की सेहत अच्छी रहे तो मैं उन सारी हाउसवाइफ से एक बात कहना चाहूँगी आप हमारे 100 डेज डाइट प्लान को अगर फॉलो कर रहे हैं वन थिंग यू आर रियली गेटिंग एंड दैट इज द नॉलेज खाना तो हम सब पका लेते हैं हम सबको पता है कि दाल अच्छा है सब्जी अच्छी होती है बट क्यों उसमें क्या है इसलिए वो अच्छा है ये जानने के लिए वाकई में 100 डेज डाइट प्लान एक बहुत ही फ्रूटफुल शो साबित हुआ है इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी मिकिता हमारे ना 100 डेज डाइट प्लान के एक बहुत ही चहेती व्यूअर है उनका हमें कॉल आया था उनका नाम है नीना नीना ने हमसे कहा कि वो हमारे इस डाइट प्लान को फॉलो कर रही है और उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है बट द बेस्ट पार्ट शी सेड जिसे हमारे सारे जो टीम मेंबर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो ये बात थी कि खाना पकाना तो सब लोग जानते हैं लेकिन वो खाना पकाते वक्त उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमने खानी चाहिए या हम
आलू क्यों खाते हैं या हम भिंडी क्यों खाते हैं, प्याज क्यों खाना चाहिए, चिकन क्यों खाना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं था। तो ये डेज हमने फॉलो किए और हमको ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद में काफ़ी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। सो थैंक यू सो मच शी सेड। अगर आप लोग भी नीना की तरह ही खुश होना चाहते हैं, अगर आप लोग भी ये सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं और कहीं चूक गए हैं अब तक, डजेंट मैटर एट ऑल, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। इमीडिएटली आपके कॉल का आंसर दिया जाएगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा जो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा। सो विद दिस नाउ द टाइम हैज कम फॉर अगेन हंगर टाइम। हंगर टाइम का मतलब है नाउ द टाइम हैज कम फॉर द लंच। आज हम खा रहे हैं फॉर वेजिटेरियंस नाचनी की रोटी, उसके साथ भिंडी मसाले की सब्जी, दही एंड सैलेड। चलो अभी इसके बारे में थोड़ा न्यूट्रिशनली जान लेते हैं कि आखिर इनमें है क्या जो हम इसे खाए। नाचनी की रोटी, जैसे आपको सबको पता ही होगा कि इट इज़ रिच इन कैल्शियम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है नाचनी की रोटी में। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं पता होगा कि नाचनी के अंदर बहुत अच्छा आयरन भी होता है और बहुत अच्छा फाइबर भी होता है। अगर हमें वो आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब करवाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें नाचनी को स्प्राउट करके उसका आटे की रोटी बनानी चाहिए। इससे क्या होता है, उसके अंदर विटामिन सी होता है जिससे हमारे बॉडी में नाचनी का आयरन बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। इसके साथ हम भिंडी मसाला खाने वाले हैं। आप सबको पता होगा भिंडी बहुत थोड़ी चिकनी सी होती है, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फॉर स्किन। उसके साथ हम कर्ड खाएंगे, उसके अंदर बहुत अच्छा सा प्रोटीन होता है जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, और वेजिटेरियंस के लिए यही तो एक सोर्स है। और उसके साथ हमें खाना है कभी नहीं बोलना सैलेड। सैलेड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमें फाइबर मिलता है। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए आज हम खाएंगे कोंकणी चिकन। हाउ अबाउट दैट, कोंकणी चिकन थोड़ा सा स्पाइसी होता है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खड़े मसाले पड़ते हैं जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सो यू वांट टू सी कि खड़े मसालों से फायदे भी होते हैं अगर उन्हें प्रोपोर्शन में लिया जाए तो? डेफिनेटली, क्योंकि खड़े मसाले से, अगर आपने सुना होगा पेपरमिंट ऑयल होता है, फिर बाद में कार्डमम ऑयल होता है, ये सारे ऑयल कहाँ से आते हैं? सारे स्पाइसेस से ही आते हैं और इनके बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं। That's really amazing, Mikita. Now the time has come for the evening mid-meal. तो आइए चलिए पूछते हैं Mikita से कि आज mid-meal में क्या है। चलो mid-meal में कुछ ऐसा खाया जाए जो न्यूट्रिशनली पैक है, जैसे कि वेजिटेबल जूस। अभी कौन सा वेजिटेबल जूस पियेंगे हम? आज हम पीने वाले हैं व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस के अंदर बहुत सारा आयरन होता है, इसके लिए जब भी आप व्हीट ग्रास जूस बनाएं तो उसके अंदर नींबू ज़रूर डालें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। उसके अंदर जीरा भी ज़रूर डालिए क्योंकि उससे कूलिंग इफेक्ट होता है, और व्हीट ग्रास ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन, मतलब आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। उसके साथ साथ व्हीट ग्रास से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके साथ साथ व्हीट ग्रास जूस सबके लिए हेल्दी है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। बट एक बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, व्हीट ग्रास जूस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस हम रॉ पीते हैं और अगर उसके अंदर कुछ भी इन्फेक्शन है तो प्रेग्नेंट लेडी को लग सकता है जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि व्हीट ग्रास जूस सिर्फ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स पी सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं। मेरा आपको पता है आप कितनी ब्रिलियंट है। आइए देखते हैं कि हमारी Mikita के पास में डिनर के लिए क्या है। आज हम वेजिटेरियंस के लिए लेने वाले हैं मल्टीग्रेन स्प्राउट्स इडली। वाओ, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। उसके साथ रहेगा कर्ड एंड विद दैट सांभर और ग्रीन चटनी। ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग मच अमाउंट ऑफ कोकोनट इन योर ग्रीन चटनी, ठीक है ना। स्प्राउट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, रिच इन विटामिन सी होते हैं, तो उसे तो हमें खाना ही चाहिए। अभी इडली बना रहे तो उसे कैसे ऐड करें? जो भी हमारा मल्टीग्रेन आटा है उसके अंदर हम स्प्राउट्स ऐड कर देंगे और उसी के हम इडली बनाएंगे, और वो बहुत होती है टेस्टी खाने में। उसके साथ हम कर्ड खाएंगे जो हमें प्रोटीन देगा, ग्रीन चटनी खाएंगे जिससे टेस्टी लगेगा, और सांभर लेंगे। सांभर के अंदर ध्यान रखिएगा कि आपको वेजिटेबल्स डालने हैं ताकि आपका मील पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है आज। आज हम बनाने वाले हैं एग ऑमलेट विथ सोया फिलिंग। इसे बनाना कैसे है? इसे हम क्या करेंगे, एग्स को नीचे लेयर बना देंगे, उसके ऊपर सोया की फिलिंग डालेंगे और एक एग का लेयर ऊपर डालेंगे, कवर करेंगे और इसका हम ऑमलेट बनाएंगे। ये है आपका न्यूट्रिशियस ऑमलेट, और इसके साथ आप खा सकते हो ग्रीन चटनी एंड सांभर।
हो गया ना इंटरेस्टिंग, एकदम फुल्ली पैक्ड विद विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। सो विद दिस 100% मैं अभी क्या कहेंगे, एकदम ऐसे कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ऐसे और भी टिप्स चाहिए है, फॉर दैट यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। यू नो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। विद दिस हमारे 100 डेज डाइट प्लान का डे 38 डाइट प्लान होता है खत्म, लेकिन खत्म होता है सिर्फ डाइट प्लान के लिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो आइए चलिए देखते हैं उस पिक्चर को, लेकिन उससे पहले क्या रिकैप। आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 38 में मिकिता ने बताया, अर्ली मॉर्निंग एक ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए मूंग का मल्टीग्रेन पराठा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन रोटी के साथ एग भुर्जी, मॉर्निंग मिड मील में कस्टर्ड एप्पल, लंच में वेजिटेरियंस के लिए भिंडी मसाला, दही सैलेड और नाचनी रोटी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोंकणी चिकन मसाला, नाचनी रोटी और सैलेड, इवनिंग मिड मील में एक ग्लास वीट ग्रास जूस विद लाइम एंड जीरा, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन स्प्राउट्स इडली के साथ सांभर, ग्रीन चटनी और दही, नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग ऑमलेट विद सोया फिलिंग के साथ ग्रीन चटनी और सांभर। अब रहा जवाब डे 37 के सवाल का, आखिर क्या है गेहूं का रास, इससे बढ़ता है एनर्जी लेवल या घटती है पाचन शक्ति। स्टार्ट करते हैं वीट के इंग्रेडिएंट्स। वीट के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटीन। ग्लूटीन से क्या होता है, ग्लूटीन मतलब ग्लू, लैटिन में उसका मतलब होता है ग्लू, यानी कि जो अपने पेट में चिपक जाता है। तो वीट हम जब भी खाते हैं ये ग्लूटीन हमारे पेट के अंदर के हिस्से में चिपक जाता है, इसके वजह से कभी कभी हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी गैसियस इश्यूज हो सकता है, कभी कभी ब्लोटिंग हो सकती है। इसकी वजह से अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो एग्रीवेट हो सकता है, क्योंकि ग्लूटीन हमारे इंटेस्टाइन से चिपक के गैस प्रोड्यूस करता है और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वीट के अंदर यही एक पदार्थ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे वीट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैदा है, रवा है, ये सारी चीज़ें भी वीट से ही तो बनती है, तो हम इसे भी नहीं खा पाएंगे। अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है या फिर आपको ग्लूटीन सेंसिटिविटी है यानी कि ग्लूटीन की एलर्जी है, तो भी आप ये चीज़ नहीं खा पाओगे। इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप क्या खाओगे, क्योंकि वीट तो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये तो आप जानते ही हो। तो इसके अलावा हम खा सकते हैं राइस, खा सकते हैं क्योना, खा सकते हैं जो कि आजकल बहुत फेमस सीरियल हो चुका है, आपको पता ही होगा, वो हम खा सकते हैं। उसके अलावा हम सोया खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। और इसी के साथ में मिकिता, हमारा 100 डेज डाइट प्लान का डे 38 का हमारा ये डाइट प्लान होता है लेकिन क्या है ना मिकिता, मेरी एक आदत है, आप भी जानती ही है ये आदत, कि मुझे ना बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली पता है, मुझे पता है कि इन लोगों को भी बहुत मज़ा आता होगा कि इन लोगों से मैं ये सवाल पूछूं, ताकि इन लोगों के जहन में भी ये घूमे कि यू नो क्या जवाब है इसका। तो ये रहा डे 38 का सवाल। कहते हैं फूड वेस्टेज रोकने के लिए या टाइम सेव करने के लिए फ्रिज बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्रिज में रखे खाने से पौष्टिक तत्व और स्वाद दोनों गायब हो जाते हैं। तो क्या वाकई खाने की सुरक्षा करने वाला फ्रिज फूड न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर देता है? सिंपल सवाल सिंपल जवाब, लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com। सो दिस इज मी योर होस्ट एंड योर दोस्त स्नेहल राय, हमेशा आपके साथ में मेरी बातचीत चलती रहेगी, हमेशा हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशनल के बारे में, एनर्जी के बारे में, और मुझे पता है कि मैं बहुत बात करती हूँ, तो मेरी ये बातें अभी मैं कंटिन्यू करूंगी मिकिता के साथ में, और आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, कल फिर मिलेंगे हमारे डे 39 डाइट प्लान में इन 100 डेज डाइट प्लान। बाय बाय।